देखिए, एमपी के डॉक्टर सुधीर डेहरिया भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के असली हीरो हैं। एक हफ्ता पहले कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी माँ और सास को खो दिया, लेकिन शोक में वो घर नहीं बैठ गए। उसके बजाय डॉक्टर सुधीर डेहरिया ने कोरोना पीड़ितों की सेवा को प्राथमिकता दी। ये तस्वीर याद है आपको, पिछले साल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसमें दिख रहे ये शख्स डॉक्टर सुधीर डेहरिया हैं। उस वक्त जब कोरोना अपने चरम पर था, तब भी वो बतौर भोपाल के सीएमएचओ लगातार काम में जुटे रहे। परिवार से मिले गए तो घर के बाहर दूर से ही मिले। अब एक बार फिर इस कोरोना वॉरियर ने नई मिसाल पेश की है। डॉक्टर सुधीर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के सीएमएचओ हैं। इस बार भी जब कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब ये सब कुछ भूल कर लगातार काम में जुटे हुए हैं। हम क्यों उन्हें कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हीरो कह रहे हैं, आपको बताते हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही डॉक्टर सुधीर का परिवार कोरोना के हमले का शिकार बन गया। इनकी माँ और सास दोनों को कोरोना हो गया। लाख कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। किसी भी शख्स के लिए माँ और सास दोनों का एक साथ इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए हफ्ते भर में ही डॉक्टर सुधीर डेहरिया वापस काम पर लौट आए हैं। देखो, अभी लगातार संकट की स्थिति है, इस स्थिति में हम घर में नहीं बैठ सकते हैं, लगातार काम करेंगे और लोगों को जितना हो सकता है उतना लोगों के लिए काम करेंगे। जो माताजी का आशीर्वाद, हमारी दोनों माताजी का आशीर्वाद हमारे पास में रहेगा, उनके आशीर्वाद की शक्ति से हम लोगों के लिए और ज़्यादा काम करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 200 बिस्तर की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली है, 200 बिस्तर को हमने तैयार किया हुआ है और अभी हमारे पास सभी 50 बेड खाली हैं और DIC में भी हमने ऑक्सीजन लाइन डल रही है, वो भी आज शाम तक तैयार हो जाएगी। कर्तव्य पालन का इससे बड़ा जज्बा शायद ही कहीं और देखने को मिले। डॉक्टर सुधीर डेहरिया वाकई असल जिंदगी के हीरो हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।